सो ही मेरे भाई लोग, कैसे हो आप सभी। एंड बहुत ही कमाल का वीडियो आ चुका है आप लोग के सामने। जैसा कि आप यहां पर हेयर कट एंड गाइज फेस स्मूथ देख ही सकते हो, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कमाल का एडिटिंग हुआ है। एंड गाइज आपको अगर ऐसा हेयर कट सीखना है करना, तो गाइज वीडियो को सिंपल सा लास्ट तक देखते रहिए। आज की वीडियो में गाइज ऐसा हेयर कट आपको सिखाने वाला हूँ इस वीडियो में। बस आपको वीडियो को पूरा पूरा वॉच करना है, और दोस्तों 100% आपको ऐसा फोटो एडिटिंग आ जाए। एंड गाइज इस टाइप का फेस स्मूथ भी आप कर सकते हो। और बैकग्राउंड तो गाइज आप देख ही सकते हो कितना कमाल का फुल HD क्वालिटी में गाइज एडिट हुआ है। तो चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। और भाई लोग चैनल पर लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसा कि आप यहाँ पर नॉर्मल सा फोटो देख सकते हो, कितना बेकार है गाइज। ये नॉर्मल सा फोटो और इसका क्वालिटी भी बहुत ही ज़्यादा लो है गाइज। लेकिन गाइज इसको जब मैंने एडिट किया तो पूरा का पूरा HD क्वालिटी में इसको एडिट हुआ, और इसकी क्वालिटी ज़बरदस्त है गाइज। और जैसा कि यहाँ पर कट वगैरह आप देख सकते हो कितना कमाल का लग रहा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना कोई बकचोदी के। तो गाइज चलिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इस फोटो को आपको स्नैपसीड एप्लीकेशन के अंदर शेयर कर देना है। एंड वहाँ पर क्या करना है चलिए आपको करके दिखा देता हूँ। तो भाई लोग जैसे कि मैं अपने फोटो को शेयर करता हूँ स्नैपसीड एप्लीकेशन के अंदर। एंड गाइज वहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना है वो मैं आपको सिखाता हूँ। दोस्तों आप सेम टू सेम वैसा ही करिएगा गाइज। जैसे कि यहाँ पर फोटो तो ओपन हो चुका है, तो इसके बाद आपको यहाँ पर एक ये वाला ऑप्शन मिलेगा जिस पर आपको क्या करना है कि क्लिक कर दें, जिससे कि आपका फेस कुछ ऐसा दिखने लगेगा। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपको टूल्स वाले ऑप्शन पर जाकर सेलेक्टिव पे चले जाना, और जहाँ भी रेड टोन दिख रहा है वहाँ पर आपको इस टाइप से सिचुएशन लो कर देना है, और ब्राइटनेस को थोड़ा सा हाई कर देना है। सेम टू सेम ऐसा करना जैसा कि मैं कर रहा हूँ, इससे कि आपका फोटो बहुत ही ज़्यादा कमाल का हो जाएगा। एंड बैकग्राउंड बहुत ही ज़्यादा हैवी गाइज लग रहा है, आप यहाँ पर देख ही सकते हो। तो सेम टू सेम ऐसा कर देना है पूरे फेस पर, और फेस पर करने के बाद आपका फोटो बहुत ही ज़्यादा लाजवाब लगने लगेगा। तो इतना तो आप देख ही सकते हो दोस्तों कितना कमाल का लगाइज लग रहा है। तो भाई लोग आपको क्या करना है, ऐसा कर देना है पूरे फेस पर, जहाँ भी आपको रेड टोन दिख रहा होगा तो सिंपल सा आपको ऐसा कर देना है, जिससे कि आपका फेस जो है रेड टोन से वाइट टोन हो जाए। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो मैं कैसे कर रहा हूँ, सेम प्रोसेस आपको भी करते रहना है दोस्तों। और क्या होगा कि दोस्तों आपका फोटो कुछ ऐसा जो है दिखने लगेगा, लास्ट में आप पूरा का पूरा कर दोगे कंप्लीट हो जाएगा, तो फोटो आपको बहुत ही कमाल का पूरा HD में जो है दिखने लगेगा। तो आपको सबसे पहले तो इतना कंप्लीट कर लेना, जिससे कि आपका फोटो बहुत ही लाजवाब एंड एकदम बढ़िया क्वालिटी में दिखने लगेगा। और लाइट को आपको बढ़िया तरीके से रखना है, आप यहाँ पर देख सकते हो मैं कैसे रखा हूँ। इसके बाद आपको आ जाना है यहाँ पर एक प्रोटेक्ट वाला ऑप्शन पर। इस पर दोस्तों आपको तीन ऑप्शन आते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, पहले वाले को लो कर देना है 0, एंड दूसरे वाले को भी 0, एंड तीसरे वाले को आपको जितना पर है उतना पर ही छोड़ देना है। तो इतना काम आपको क्या करना है कि कर लेना है। एंड इसके बाद आपको इस फोटो को शेयर कर देना लाइट रूम एप्लीकेशन के अंदर। एंड लाइट रूम ऐप के अंदर आपको क्या करना है चलिए आपको करके दिखाता हूँ दोस्तों। सबसे आसान तरीके से आपको मैं यहाँ पर फोटो एडिटिंग सिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर LR एप्लीकेशन के अंदर फोटो हमारा जा चुका है, यानी कि लाइट रूम एप्लीकेशन के अंदर। तो ओपन कर लेते हैं इसको, और जैसा कि यहाँ पर आप देख ही सकते हो हमारा फोटो यहाँ पर जो है आ चुका है। ये हमारा गाइज फोटो है। एंड गाइज यहाँ पर प्रीसेट भी मौजूद है, तो प्रीसेट आपको चाहिए तो गाइज डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ पर इसका लिंक है गाइज। तो जैसा कि यहाँ पर जैसे मैं इसको क्या करूँ कि कॉपी करके पेस्ट करूँगा, तो रिजल्ट हमारा कुछ ऐसा आएगा जो कि आप यहाँ पर देख ही सकते हो। फोटो कितना कमाल का ज़बरदस्त लग रहा है। तो इसको फिर से शेयर करेंगे स्नैपसीड एप्लीकेशन के अंदर। अब दोस्तों यहाँ पर और ज़्यादा फेस को क्या करेंगे कि वाइट करेंगे। तो वाइट करने के बाद कैसा लगता है फोटो चलिए आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको क्या करना कि जहाँ जहाँ आपको ब्लैक जो है लग रहा होगा, यानी कि लाइट कम लग रहा होगा, वहाँ पर आपको सिलेक्ट करके ब्राइटनेस को हाई कर देना, जो कि मैं हर वीडियो में गाइज आपको बताता हूँ एंड सिखाता भी हूँ गाइज। तो इतना आपको कम्प्लीट पहले करना है, इसके बाद आपको अगला जो है बताऊँगा क्या करना है आपको। तो आपको सिंपल से इतना कम्प्लीट कर लेना है, और यहाँ पर आप देख सकते हो। तो जैसे कि इतना कंप्लीट हो चुका है, और जहाँ जहाँ ब्लैक है गाइज वहाँ वहाँ तो मैं देख सकता हूँ कैसे ब्राइटनेस को हाई कर दे रहा हूँ, और ऐसे आपको काम कर देना है। और इससे आपका फ़ोटो बहुत ही ज़बरदस्त लगेगा, यहाँ पर भी हर जगह गाइज आपको कर लेना है ऐसा। आपका फ़ोटो कुछ ऐसा दिखने लगेगा, जैसे कि आप मेरे फ़ोटो को देख रहे हो, थोड़ा सा डिफरेंट गाइज लगेगा, क्योंकि गाइज सेम टू सेम अगर गाइज फोटो रहेगा तो सेम गाइज एडिटिंग होगा। पोज आपका भी ऐसा रहना चाहिए इस फोटो में, क्योंकि गाइज इसमें हम हेयर कट आपको सिखाने वाले हैं। तो इतना काम हो जाएगा, तो सिंपल सा फ़ोटो को कर लीजिएगा सेव। और फोटो जैसे ही सेव हो जाएगा आपके फ़ोन में, तो क्या करना है इसको आपको ब्लर करना है। तो ब्लर करके आपको मैं दिखा देता हूँ। एंड गाइज इसको आप कलर भी कर सकते हो। तो ओपन करना है आपको पिक्सट एप्लीकेशन को, और पिक्सट एप्लीकेशन के अंदर चले देखते हैं क्या करना है आपको। तो जैसे कि यहाँ पर पिक्सट एप्लीकेशन के अंदर तो हमारा फोटो आ चुका है, तो यहाँ पर सिंपल से मैं एक लाइट को ऐड करता हूँ,
बैकग्राउंड में। एंड उससे पहले गाइस इसको कलर करके देखता हूँ या फिर कलर यहीं गाइस छोड़ देता हूँ, यहीं कलर हमको अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर ये सनसेट का एक लाइट जो है आपको लगा देना है बैकग्राउंड में, इस टाइप से इसका ऑपेसिटी लो कर देना है, कुछ इतना पर कर देना है और इसको बड़ा करके लगाना है। सही करेंगे और फोटो को कर लेते हैं सेव। अब इतना काम करके इस फोटो को करेंगे ब्लर। तो ओपन करेंगे फोटो रूम एप्लीकेशन को। तो भाई लोग जब आपका फोटो जो है ब्लर हो जाता है तो आपको स्नैपसीड एप्लीकेशन को ओपन करना है। गाइज इसको क्यों ओपन करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है एक फोटो रूम का लोगो आ चुका है जो कि आप यहाँ पर देख ही सकते हो। तो क्या करेंगे, सिंपल सा यहाँ पर डबल एक्सप्रेस पर जाके और अपने फोटो को बिना ब्लर वाले फोटो को ऐड करके इस वाले को पूरा फुल कर देंगे, सही कर देंगे। अब इस पर जाएंगे, व्यू एडिट पर जाएंगे, डबल एक्सप्रेशन पर जाएंगे और इस पर क्लिक करके आपको इसको मिटा देना है, इस टाइप से रिमूव कर देना, यानी कि ये हट जाएगा। और जब हट जाएगा तो फोटो बहुत ही कमाल का लगेगा। और फोटो को कर लेते हैं सेव। तो भाई लोग जब इतना काम हमारा कंप्लीट हो जाता है तो अब हम इसको करेंगे रिमनी एप्लीकेशन से पूरा का पूरा HD क्वालिटी में। तो चलिए आपको करके दिखा देते हैं। तो भाई लोग चलिए अब हम करते हैं इसको स्मूथ पूरा का पूरा HD क्वालिटी में। तो इसको शेयर कर देंगे हम स्केच बुक अप्लीकेशन के अंदर, यानी कि ऑटोडेस्क अप्लीकेशन के अंदर। जैसे ही फोटो आएगा तो गाइज यहाँ पर आपको सबसे पहले वही वाला ब्रश सेलेक्ट करना है जो कि आपको यहाँ पर दोस्तों देखने को मिल जाएगा। एंड सेटिंग इसका ये कर दीजिएगा एंड आपको अपने फेस पर ऐसे रगड़ना है ब्रश को। तो आपको मैं पूरा पूरा फेस स्मूथ करके दिखाता हूँ। एंड गाइस फेस स्मूथ का मैंने बहुत सारा वीडियो डाला है तो आप उसको भी देखकर फेस स्मूथ सीख सकते हो पूरा का पूरा HD में। तो इस टाइप के आपको पूरे फेस पर ऐसे कर देना है जैसा कि मैं कर रहा हूँ, ब्रश को ऐसे रगड़ना है गोल गोल करके, तो आपका फेस स्मूथ होगा पूरा पूरा HD क्वालिटी में। इतना हो गया, अब इसको करते हैं स्मूथ। तो आप बस वीडियो में बने रहिए एंड आपको पूरा का पूरा स्मूथ करके मैं दिखा देता हूँ पूरा फेस को किस टाइप से स्मूथ करते हैं और पूरा का पूरा तरीका आपको सिखा रहा हूँ इस वीडियो में। ध्यान से गाइस वीडियो को देखिएगा और गाइस जब तक स्मूथ हो रहा है तब तक आप वीडियो को लाइक करके और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा गाइस, ताकि दोस्तों नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। इस टाइप से आपको स्मूथ जो है करते रहना है।
तो भाई लोग जैसा कि मैंने पूरा का पूरा फेस स्मूथ कर दिया है, अब दोस्तों कटआउट की बात आ गई। तो गाइज कैसे करेंगे चलिए आपको दिखाता हूँ। आपको आ जाना सबसे नीचे में, आपको एक ये वाला ब्रश देखने को मिलेगा एंड इसका सेटिंग आपको ये कर देना है और आपको जूम करना है इस टाइप से एंड इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है जो कि आपको यहाँ पर ऊपर में साइड में दिख रहा होगा, इस पर क्लिक कर देंगे, इस वाले पर क्लिक कर देंगे। अब ये वाला आपको सिलेक्ट करके इसको आपको कुछ इतना पर बड़ा कर देना है। तो पहले आपको तो कुछ ऐसा खींचना है, ये देखिए मैं कैसे खींच रहा हूँ इस टाइप से, ये देखिए, एंड इसको एक नीचे में भी खींच देंगे इसी टाइप से। और ये दोस्तों जैसे ही होगा तो आपको फोटो को थोड़ा सा घुमाना है और एक ऊपर से आपको ऐसे खींचना है गाइज, सेम ऐसे ही खींचना है। देखिए मैं कैसे खींच रहा हूँ इस टाइप से, कट आपको ऐसे मारना है, ये देखिए एक सेम यहाँ पर भी एक ऐसे ही मार देंगे कट, ये देखिए बहुत ही कमाल का गाइज हो रहा है। और इसको करेंगे कट, अब देखिएगा सेम टू सेम कट हमारा हो चुका है, कितना कमाल का एंड कितना हेवी लग रहा है। तो अब दोस्तों फिर से ये वाला ब्रश सेलेक्ट कर लेंगे और इसको हम बढ़िया तरीके से मिला देते हैं जो कि यहाँ पर एक्स्ट्रा पार्ट वगैरह आया है इसको। तो यहाँ पर कट वाला काम गाइस पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है, आप देख ही सकते हो यहाँ पर। और पूरा स्मूथ बढ़िया से करने के बाद अब हम क्या करते हैं, सिंपल सा क्या करेंगे दोस्तों आपको चले करके दिखाता हूँ, लाइट एडजस्ट करेंगे। तो फोटो को यहाँ से सेव कर लेंगे और सेव करने के बाद इसको हम शेयर करेंगे लाइट रूम अप्लीकेशन के अंदर और आपको बढ़िया तरीके से लाइट एडजस्ट करके दिखाता हूँ वो भी दोस्तों। आप भी कहोगे वाह भाई यार क्या कमाल का टिफिन ट्रिक बता दिया। तो यहाँ पर फोटो तो आ चुका है, तो अब हम आ जाते हैं गैलरी में। गैलरी में आने के बाद दोस्तों इस फोटो को हम लाइट रूम अप्लीकेशन के अंदर जो है जगह शेयर कर देंगे। बैक करते हैं जैसा कि आपको दिखाता हूँ, फोटो हो गया LR एप्लीकेशन के अंदर यानी कि Lightroom एप्लीकेशन के अंदर। फोटो को जैसे ही शेयर करेंगे दोस्तों एक ही क्लिक में आपको सबसे आसान तरीके से जो है यहाँ पर लाइट एडजस्टिंग सिखा देता हूँ। तो आपको Lightroom एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है, ओपन करने के बाद आपका फोटो यहाँ पर गाइज आ चुका है। आपको मैं दिखाता हूँ आपका फोटो कहाँ पर आया है गाइज, ये देखिए आपका फोटो यहाँ पर आ चुका है। तो सिंपल सा दोस्तों इसका मैंने एक प्रीसेट ऑलरेडी बना दिया है, तो इस प्रीसेट को आपको क्या करना है कि कॉपी कर लेना है जो कि आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डाउनलोड करके लाइटरूम के अंदर शेयर करके कॉपी सेटिंग करके अपने फोटो में आपको पेस्ट करें जो कि एक ही क्लिक में बन के रेडी हो जाएगा। तो गाइज आई होप कि आपको मेरा ये वाला वीडियो पसंद आया होगा। सो गाइज अगर आपको ऐसे ही कमाल कमाल के टिप्स एंड ट्रिक के साथ वीडियो चाहिए तो गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। तो भाई लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।